हेलो एवरीवन, गायत्री किचन में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। ठंड के मौसम में अच्छे मीठे मटर मिलते हैं, तो आज हम आलू मटर की सब्जी बनाएंगे। ये सब्जी खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है, तो आइए जानें इसे बनाने में हमें किन किन चीजों की जरूरत है। आलू मटर की सब्जी बनाने के लिए हमें चाहिए 300 ग्राम नए आलू, 200 ग्राम हरे मटर के दाने, दो मीडियम साइज प्याज जिसे हमने बारीक काट लिया है, एक मीडियम साइज का टमाटर, 6 से 7 कली लहसुन के और एक छोटा टुकड़ा अदरक का, नमक स्वाद अनुसार, आधा चम्मच पचफोरन। पचफोरन बनाने की विधि हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां जाके इसे देख सकते हैं। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, थोड़ा सा दालचीनी, 2 तेज पत्ता, 20 ml सरसों का तेल, 2 से 3 चुटकी हींग और 1 बड़ा चम्मच देसी घी। आलू मटर की सब्जी बनाने के लिए हम आलू को उबाल लेंगे। हमने एक पतीले का यूज किया है आलू को उबालने के लिए। हमने कुकर का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया क्योंकि कुकर में आलू फट जाता है और पानी आलू में चला जाता है, जिसकी वजह से हमारी सब्जी का स्वाद उतना अच्छा नहीं आता। सबसे पहले हम उबले हुए आलू को छील कर इस तरीके से काट लेंगे। अदरक और लहसुन को हम पीस लेंगे और टमाटर को बिना पानी ऐड किए मिक्सिंग जार में पीस लेंगे। तो चलिए अब हम आलू मटर की सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने गैस ऑन करके कढ़ाई रख दिया है, हमारा कढ़ाई गर्म हो गया है और अब हम इसमें घी डालेंगे। घी गर्म हो गया है और अब हम इसमें उबले हुए आलू डालेंगे और इसे चला लेंगे और अब हम इसमें आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे। बाकी का नमक हम मसाले भूनते वक्त डालेंगे। हमारे गैस का फ्लेम हाई है, हमें इसे 2 मिनट तक भूनना है। 2 मिनट हो चुके हैं और अब हम आलू को निकाल लेंगे। और अब हम उसी कढ़ाई में सरसों का तेल डालेंगे। तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें 2-3 चुटकी हींग डालेंगे, पचफोरन डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसे चला लेंगे। हमारे गैस का फ्लेम मीडियम है और अब हम इसमें दालचीनी डालेंगे, तेज पत्ता डालेंगे और अब इसमें प्याज को ऐड कर देंगे और इसे चला लेंगे। हमें प्याज को ऐसे बीच बीच में चला लेना है जब तक हमारे प्याज का कलर हल्का ब्राउन ना हो जाए। प्याज भुन गया है और अब हम इसमें मटर डालेंगे। गैस का फ्लेम हम कम कर देंगे और इसे ढक देंगे ताकि हमारे मटर पक जाएं। हमारा मटर पक गया है, इसे पकने में 2 मिनट लगे और अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। और इसे चला लेंगे। हमारे गैस का फ्लेम लो है और अब हम इसमें पिसा हुआ टमाटर डालेंगे और इसे चला लेंगे। हमारा मसाला भुन चुका है, अब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। हमारा मसाला भुन चुका है और आप देख सकते हैं कि तेल बाहर आने लगा है और अब हम इसमें आलू ऐड कर देंगे और इसे चला लेंगे। देखिए हमारी सब्जी का कलर कितना अच्छा आया है
और अब हम इसमें एक गिलास पानी ऐड करेंगे। और अब हम मटर आलू की सब्जी को ढक देंगे पकने के लिए। हमारे गैस का फ्लेम अभी मीडियम है। आलू मटर की सब्जी बनके तैयार हो गई है और अब हम गैस बंद करके बाउल में निकाल लेंगे। आलू मटर की सब्जी बनके तैयार हो गया है। आप इसे ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में ले सकते हैं। आप इसे पूड़ी, पराठा या दाल चावल के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।